नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 1 से 12 और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूं, मैं रेणु भट्ट। अपने इस लाइव इंटरेक्शन में अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि ये हमारा एक स्पेशल सेशन है जो कि टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम पर है, जहाँ पर हम अपनी समझ का दायरा बढ़ाते हैं समावेशी कक्षा के प्रति। और आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मेरे साथ नजर आ रहे हैं हमारे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं श्री अनिकेत पांडा। अनिकेत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि आप हमें ई विद्या चैनल नंबर 1 से 12 पर हमारे साथ जुड़े हैं। आज हमारा स्पेशल सेशन है, तो किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्स नीड्स एंड एंशिएंट इंडिया, और जैसे कि ये टाइटल अपने आप में सजेस्ट करता है और अपने आप में काफ़ी बातें हम सभी तक पहुंचाता है कि जब हम बात करते हैं समावेशी कक्षा की, समावेशी शिक्षा की, तो किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या पहले भी ऐसा होता था, क्योंकि आज के दौर में समावेशी शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया जाता है, तो पहले समय में क्या किया जाता था। इस पर आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए, आप सभी का ज्ञान बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट। चलिए उनसे परिचय लेते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। आप हैं डॉक्टर नचिकेता। आप डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, चेन्नई से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। सर, और सर से हम ढेर सारी बातें जानने वाले हैं। और बच्चों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल आए, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, वेदर यू आर टीचर, टीचर एजुकेटर और स्टूडेंट और पेरेंट, आप अपनी सभी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप ईमेल के माध्यम से भी हम तक जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरीज पहुँचा सकते हैं। हमारे ईमेल एड्रेसेस आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग योर पार्टिसिपेशन इन दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर आप यूट्यूब चैनल पे हैं, यानी कि NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हैं, तो आपको लाइव चैट बॉक्स में जाके अपना कॉमेंट ड्रॉप करना है। ये सबसे तेज माध्यम है हमसे जुड़ने का, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपनी क्वेरीज के साथ आप हमसे हमारे इस लाइव इंटरेक्शन में जुड़ें और इस इंटरेक्शन का हिस्सा बने। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, सर हम आपके पास आना चाहेंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम समावेशी कक्षा की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, तो आज के दौर में तो बहुत जोर दिया जाता है नचिकेता सर, लेकिन अगर हम पुराने समय की बात करें या एंशिएंट टाइम की बात करें, तो इसको इम्प्लीमेंट करने का क्या रोल रहा, क्यों जोर दिया गया, और क्या कुछ उदाहरण है, आप कृपया इस पर प्रकाश डालें सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा NCERT का कि NCERT इस तरह की विषय को उठाता है और ऐसे संवेदनशील चीज़ों के बारे में YouTube माध्यम से लोगों तक बात पहुँचाता है। और विशेष बात यह है कि जिसको बोलते हैं ना कि समथिंग विच ग्रोज इन आर बैकयार्ड या री इन्वेंटिंग द व्हील, तो हमारे पास जो चीज़ है अगर हम उसी चीज़ के तरफ ध्यान दें और उसे देखें और उसे संवारें, तो बड़ा आसान हो जाता है किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करना या लागू करना। उस तरह से अगर हम देखें इंक्लूशन या समावेशी या एक ऐसा वातावरण जहाँ की हर किसी के लिए जगह हो, उसके बारे में जानना जरूरी है। और आज का मेरा जो प्रेजेंटेशन है इंक्लूशन एंड इंडियन पर्सपेक्टिव, उसी पर है। तो मैं राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान का निदेशक हूँ। अगर देखा जाए तो दिव्यांगताओं या दिव्यांग लोगों के लिए भारत में 9 राष्ट्रीय संस्थान है, उसमें निपमेड चेन्नई में स्थित है। बाकी के राष्ट्रीय संस्थान मैप पे आप देख सकते हैं, अलग अलग जगहों पे है, अलग अलग शहरों में है पूरे भारतवर्ष में। निपमेड पोस्ट कोवलम डिस्ट्रिक्ट चेंगलपट्टू या डिस्ट्रिक्ट कांचीपुरम पहले था, ये वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ की कांचीवरम साड़ियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और यही वो जगह था जहाँ की चाइना के राष्ट्रपति को हमारे प्रधानमंत्री साहब ने मुलाकात के लिए बुलाया था। तो कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, एक एरियल मैप है निपमेड का, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, दूसरी तरफ ईस्ट कोस्ट रोड, बड़ा ही एक्सेसिबल या बड़ा ही सुगम्य वातावरण में बना हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट कई काम करता है, चाहे वो शीघ्र हस्तक्षेप का काम हो या अर्ली इंटरवेंशन हो, दिव्यांग बच्चों के साथ काम करता है, ये बात तो पक्की है। तो दिव्यांग बच्चे और बड़ों के साथ काम करता है, तो शीघ्र हस्तक्षेप के क्षेत्र में काम करता है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, पुनर्वास के क्षेत्र में काम करता है, चिकित्सा सेवाएं देता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण देता है, और साथ ही साथ कई एक कोर्सेस शुरू करता चलाता है, जैसे कि
फिजियोथेरेपी का कोर्स हुआ, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी का कोर्स हुआ, बैचलर्स इन स्पीच एंड हियरिंग का कोर्स हुआ, बैचलर्स इन एजुकेशन का कोर्स हुआ, एमएड इन एजुकेशन का कोर्स हुआ, एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोर्स हुआ। तो जो जो बच्चे बारहवीं साइंस के बाद या बारहवीं आर्ट्स के बाद दिव्यांगताओं के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो हमारे पास लगभग 13 ऐसे कोर्सेस हैं। स्पीच एंड हियरिंग के बैचलर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी बैचलर, बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक इंजीनियरिंग, जो नकली हाथ पैर बनते हैं ना, कृत्रिम अंग बनते हैं, उनके लिए जो कोर्स होता है, स्पेशल एडुकेशन विशेष शिक्षा के जो कोर्स होते हैं, इस तरह से 13 कोर्सेस हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं बारहवीं के बाद। ये तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं हमारे राष्ट्रीय संस्थान में और साथ ही साथ बाकी के 9 राष्ट्रीय संस्थान में भी। आज का जो सवाल है कि इंक्लूजन या समावेशी वातावरण, ये संभव है क्या? दृष्टिकोण के ऊपर, अगर आप देखना चाहें, अगर आप एक दृष्टिकोण बनाए कि हाँ समावेशन संभव है, इंक्लूजन संभव है, तो संभव है। दृष्टिकोण कैसे फर्क करता है? दृष्टिकोण ऐसे फर्क करता है कि अगर मैं यहां से लेकर मेरे सामने वाले दरवाजे तक चल के जाना चाहूं तो मुश्किल से 10 मीटर की दूरी है, लेकिन अगर मैं अपना मुंह उस तरफ कर लूं तो मुझे पूरे पृथ्वी की धुरी का चक्कर लगाना पड़ेगा और फिर मैं पहुंचूंगा। तो इसी को दृष्टिकोण बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव में फर्क पड़ता है। पर्सपेक्टिव से मैं क्या समझना चाहता हूं, हम सबको पढ़ाया जाता है डार्विन जी के बारे में। डार्विन जी बताते हैं, क्या बताते हैं, बताते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो सबसे मजबूत है वही टिकेगा, है ना। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, चार्ल्स डार्विन साहब ने बताया था 1869 में। ये एक दृष्टिकोण है। अगर यही दृष्टिकोण है तो हम में से हर किसी को भरपूर जोर लगाना पड़ेगा और हमें फर्स्ट आना पड़ेगा। सो वी ऑल इन द रैट रेस एंड समबडी हैज टू विन, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। ये है दृष्टिकोण पहला। तो हमें गुड से बेटर से बेस्ट होते चला जाना है ताकि हम टिक सकें। दूसरा दृष्टिकोण क्या है, इस तरह से अगर हम देखें कि गुड से बेटर से बेस्ट होगा चीज और सबसे बेहतर आदमी ही टिक पाएगा, तो इंक्लूजन ये तो अपने में एक मिथ हो गया, ये तो अपने में एक लगभग एक बड़ी दूर की बात हो गई कि दिव्यांग बच्चा जो कि हो सकता है कुछ चीजों में उस तरह का नहीं हो जैसे कि बाकी बच्चे हों, वो कैसे क्लासरूम में आएगा, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात चल रही है, वही टिक सकता है जो कि सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन अगर हम दृष्टिकोण बदल लें, इफ देयर इज अनदर पर्सपेक्टिव, दूसरा दृष्टिकोण क्या हो सकता है, भारतीय दृष्टिकोण। भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से क्या होता है, भारतीय दृष्टिकोण को समझने के लिए अगर आप देखें तो भारतीय दृष्टिकोण में हमेशा कुछ सिम्बोलिज्म्स लिए गए हैं या कुछ 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 इशारे बताए गए हैं। उसमें से एक इशारा है कि हर चीज ऊंचा जाता है फिर नीचे चला आता है, ऊंचा आता है नीचे चला आता है, तो इसलिए वो सर्किल या एक चक्र का सिम्बोलिज्म दिया गया है। इस तरह से उसी तरह से बताया गया है कि हर एक जो समय होता है या एग्जिस्टेंस जो होता है वो युगों में चलता है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता, और फिर कलयुग खत्म हो जाता है, फिर कलयुग में क्या होता है, प्रलय हो जाता है। तो कहानी कुछ ऐसी बोलती है कि कलयुग में, कलयुग खत्म होने वाला था और उस समय एक राजा हुए, राजा मनु। वो क्या कर रहे थे कि वो स्नान कर रहे थे और सूरज को अर्घ दे रहे थे, पानी दे रहे थे। जब पानी जब दे रहे थे वो, तो उनके हाथ, वो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक बड़ी मछली दौड़ाई हुई है एक छोटी मछली को, और वो छोटी मछली घायल है और उसका एक फिन या एक पर कतरा भी हुआ है। तो मनु ने क्या किया, मनु ने उस मछली को हाथ में लिया और अपने कमंडल में सुरक्षित डाला, ठीक है, सुरक्षित जब डाला, फिर क्या किया, उसको घर ले गया, घर ले जाकर अपने घर के पीछे जो तालाब है वहां डाला। मछली बड़ी हो गई, फिर जब बड़ी हो गई तो उसको और बड़ा जगह चाहिए, तो इसलिए उसको क्या किया गया, नदी में डाल दिया गया। जब नदी में हो गया तो बड़ा हो गया, फिर समुन्द्र में डाल दिया, तो समुन्द्र में मछली चली गई। तो विधाता ने या बनाने वाले ने, कहानी ऐसी कहती है ना, बड़ा हमारे बड़ा डायलेक्टिकल सोसाइटी है, मतलब कहानी के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें हम लोग या गंभीर बातें हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं। कहानी कहती है कि विधाता को ये समझ में आ गया कि हाँ अभी एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा राजा है जो कि क्या करता है, जो कि कमजोरों की रक्षा करता है, जो कि जरूरतमंदों के को समय देता है, जो कि उन लोगों के लिए खड़ा होता है जिनको की मदद की आवश्यकता है। तो कलयुग खत्म और प्रलय आ गया, यानी कि पृथ्वी पानी के नीचे जाने लगी। तब तक क्या हुआ, वही बड़ी मछली जिसको कि राजा मनु ने बचाया था
वो एक बड़ा नाव लेकर चले आती है राजा मनु के पास, और राजा मनु को बोलती है कि यहाँ जो जो चीज आप बचाना चाहते हैं वो उन चीजों को आप बचा ले जाइए ताकि दूसरे सृष्टि में वो संभाला जा सके। और यहाँ देखिए राजा मनु ने किस तरह इंक्लूजन, क्या एक ऐसी धारणा या एक ऐसे काम का उदाहरण प्रस्तुत किया जो कि ये बताता है कि हम डाइवर्सिटी को कैसे बचा के रखते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर एक जानवर के दो स्पीसीज, इंसानों के दो स्पीसीज, पशु पक्षियों के दो स्पीसीज, वृक्षों के दो स्पीसीज, इन सारों को इकट्ठा किया। ऐसा उन्होंने नहीं किया कि अपने ही परिवार लोगों को उस नाव में भर लिया, नहीं भर लिया, यानी कि जितना भी डाइवर्सिटी या डाइवर्स पॉपुलेशन है उनको उन्होंने इकट्ठा किया और फिर मछली उनको समुद्र में बचा ले गई और अगला सृष्टि चालू हो गया। तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि दो दृष्टिकोण है, एक तो है जिसे हम बोलते हैं सर्वाइवल होता फिटेस्ट, या जिसको हम बोलते हैं मत्स्य न्याय या मछली का न्याय, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, अगर वैसे चले तो हर कोई नहीं टिकेगा। दूसरा दृष्टिकोण जो कि भारतीय दृष्टिकोण है, जिसमें कि यह बताया जाता है कि आप वही चीज करते हैं जो कि ये दर्शाता हो कि हम आप किसी कमजोर या किसी एक जरूरतमंद के साथ खड़े हैं और वही धर्म है ना? तो यहां बोला जाता है कि धर्म रक्षति रक्षता, यानी कि जो कमजोर की रक्षा करता है, जो जरूरतमंद की रक्षा करता है, समय आने पे वही उसकी रक्षा कर जाता है। तो जब दिव्यांग व्यक्ति हो जाते हैं होते हैं या दिव्यांग बच्चे होते हैं, अगर हम ये सोचें कि ये कमजोर हैं या इस माध्यम से इस तरह से कम है हमसे और उनको अलग रखना चाहिए, उनको स्पेशल स्कूल में रखना चाहिए, वो सही दृष्टिकोण नहीं है। सही दृष्टिकोण यह है कि उन्हें समाज का एक हिस्सा बनाना चाहिए, उन्हें सशक्त करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए ताकि वो समाज के वापिस काम आ जाए जब जरूरत पड़े। दूसरा एक उदाहरण मिलता है हमें युधिष्ठिर, महाभारत में एक है ना यक्ष प्रश्न जी, एक पर्व है जिसमें कि सारे के सारे भाई गए हुए थे जंगल में और सबको प्यास लगी, तो बारी बारी से सारे भाई जाते हैं और एक तालाब देखते हैं, बड़ा मनोहर तालाब, और पानी पीना शुरू करते हैं। पानी जब पीना शुरू करते हैं तो वहां से एक प्रश्न आता है, एक सवाल आता है कि नहीं पानी मत पियो, मेरा तालाब है, बिना मेरे सवाल के जवाब दिए हुए तो पानी नहीं पी सकते हो। तो यक्ष प्रश्न कर रहा था वहां, तो हर किसी ने सुना नहीं उसका बात, यानी कि अगर मेरा वही है जिसकी लाठी उसके पास ना, भाई मुझे ताकत है इसलिए मैं पी जाऊंगा पानी। लेकिन युधिष्ठिर आके देखते हैं कि सारे के सारे भाई बेहोश पड़े हुए हैं, अमृत पड़े हुए हैं, तो उन्होंने यक्ष को बोला कि ठीक है प्रश्न पूछो मैं जवाब देता हूँ। लगभग 126 प्रश्न पूछे थे कठिन कठिन यक्ष ने, फिर खुश होकर बोला था कि आप तुम बचाओ, किसको बचाना चाहते हो। तो साधारण ज्ञान क्या बोलता है कि भाई युधिष्ठिर के जो अपने भाई थे अर्जुन और भीम, जो कि बड़े थे मजबूत भी थे, उनको बचा ले गए होते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं नकुल या सहदेव में से मैं सहदेव को बचाऊंगा या नकुल को बचाऊंगा, मुझे याद नहीं आ रहा सही से, छोटे भाई को बचाऊंगा। क्यों, क्योंकि वो माँ मादरी का एक पुत्र है और साथ ही साथ वो छोटा भी है। तो उन्होंने किसको बचाया, उन्होंने ऐसे व्यक्ति को बचाया जो कि कमजोर है ना, जो कि उन मामलों में शायद सशक्त नहीं है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वापिस युधिष्ठिर ने किस चीज की का उदाहरण दिया, धर्म रक्षति रक्षता है ना। तो ये एक दूसरा प्रसंग है जिसमें कि हम ये देख सकते हैं, जहां की हमेशा डाइवर्सिटी को या वैरायटी को बचाने की सलाह दी गई है भारतीय दृष्टिकोण में। तीसरा एक उदाहरण देखते हैं आप, भारत का नाम भारत इसलिए पड़ा क्योंकि राजा भरत थे। राजा भरत की खासियत क्या थी, राजा भरत अगर आप देखें तो सरस्वती नदी जो अभी किधर पे है, जो लुप्त हो गई है, लेकिन वो जो इलाका जो कि आपके पाकिस्तान के आसपास है, वहां का वर्णन मिलता है किधर, सातवां मंडल ऋग्वेद में, 10 राज यज्ञ में, यानी कि 10 राजा थे जो कि युद्ध कर रहे थे राजा भरत के विरुद्ध, और इन 10 राजाओं को राजा भरत ने हराया। लेकिन क्या राजा भरत ने उन्हें मारा काटा नहीं, लूट मार नहीं मचाया, वो क्या किए, उन 10 राजाओं को लाया, बिठाए, पूछे कि आपके यहाँ कौन कौन सी पद्धति चलती है, क्या क्या सिस्टम चलता है, न्याय कैसे चलता है आपका। उन राजाओं ने ये बताया कि ऐसे 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 हमारे यहाँ होता है, और ये सारा सुनकर राजा भरत ने बोला कि ठीक है आप अपने अपने राज्य में राज करें जाके, लेकिन
जो कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट होगा वो ये होगा, क्योंकि राजा भरत इस तरह हर किसी के विषय में सोचते थे, उनके विषय में सोचकर निर्णय लेते थे, उनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत रखा गया, यानी कि इंक्लूजन या समावेशी वातावरण को सशक्त बनाने में राजा भरत का भी बहुत बड़ा योगदान था और इस बात की कदर आज तक भारतवर्ष करता है। अगर आप देखें तो एक तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र है जो कि आम भी है और इस यज्ञ के समय भी बोला गया था, जहां की हम बोलते हैं ओम सहना भवतु, यानी कि वो हमारी रक्षा करे, सहनौ भुनक्तु, वो हम दोनों को का भरण पोषण करें, लेट इट नरिश अस बोथ, सहवीर्यम करवावहै, लेट अस जनरेट एनर्जी टुगेदर, हम अपनी ताकत को और बढ़ाएं, लेट अस जनरेट एनर्जी टुगेदर बात बोला जा रहा है, तेजस्विनाधीतमस्तु, मे व्हाट वी अटेन बी ब्राइट एंड ब्रिलियंट, मा विद विषावहै, हमारे बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, द्वंद ना हो, द्वेष ना हो, हम शांति शांति शांति। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो मंत्र भी है, ना तो इसमें किसी भगवान के बारे में बोला जा रहा, ना तो यहाँ किसी शक्ति के बारे में बोला जा रहा, ना तो किसी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। अगर मैं इस कंप्यूटर के साथ भी बात कर रहा हूँ तो मैं हमेशा उसी भाव से इस कंप्यूटर से जुड़ूंगा कि भाई हाँ, वो हम दोनों को की रक्षा करे, वो हम दोनों को नरिश करे या हमारी क्षमताएं बढ़ाए, और हम साथ ही साथ काम करें और हमारे बीच कोई द्वेष ना हो, द्वंद ना हो। तो इससे बेहतर इंक्लूसिव या समावेशी प्रेयर या इन्वोकेशन तो देखने में नहीं मिलता। तो ये भारतवर्ष में या भारतवर्ष के एथोस में रचा बसा है कि हम इंक्लूजन या इंक्लूसिव इन्वायरमेंट की दाद देते हैं। तीसरा अगला उदाहरण, हम सब जानते हैं कि 1893 में विवेकानंद जी ने शिकागो में एक भाषण दिया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और अचानक दो मिनट के लिए लोग ताली बजाने लगे, था कैसा क्या बोल दिया उन्होंने, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने ये बोल दिया कि अगर आप देखें तो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है मी माई फादर माई मदर एंड स्ट्रेंजर, मी माई फैमिली एंड स्ट्रेंजर, ठीक है ना, तो इसका मतलब मेरे माँ बाप को छोड़ के बाकी सब तो स्ट्रेंजर हो गए हैं, है ना, अजनबी हो गए हैं। लेकिन यहाँ विवेकानंद जैसे व्यक्ति ने क्या बोला जाके, हर किसी को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स के तौर पे एड्रेस किया, यानी कि अपने होने को यहां तक नहीं रखा, विस्तार कर दिया, यानी हर किसी को उसमें समेट लिया। तो ये इंक्लूसिव भाषण जो हुआ ना, पहला जो कनोटेशन हुआ इसके, ये इतना प्रभावशाली था कि लोग दो मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। तो ये खास बात विवेकानंद जी का था, ये भी इंक्लूजन को इंगित करता है। और जीवंत उदाहरण, 10,000 साल से हमारी सभ्यता है, 122 भाषाएं बोली जाती हैं, लगभग 1600 मातृभाषाएं हैं, लगभग हर तरह के संप्रदाय को यहाँ फॉलो किया जाता है, 24 बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, 26 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है, और रेशियल डाइवर्सिटी अगर देखें तो आप मंगोलॉइड्स भी यहाँ हैं, निग्रोइड्स भी यहाँ हैं, इतने वेराइटी के बाद भी भारतवर्ष खूब फलता फूलता है। अगले के उदाहरण देख लें, अगर हम देखें तो 3 हमारे बड़े बड़े एक्ट बने हैं जो कि दिव्यांगों के हित में हैं या समाज के हित में हैं, दिव्यांगों के हित में तो नहीं, समाज के हित में हैं। पहला RPWD एक्ट, राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इन अगला हो गया RCI एक्ट 1992, और तीसरा हो गया नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। तो ये 3 एक्ट बने हैं। RPWD एक्ट जो 2016 का है उसमें कई एक सुविधाएं दी गई हैं, किस तरह से दिव्यांग व्यक्ति समाज में रहेगा, किस तरह से शिक्षा पाएगा, कौन कौन सी सुविधाएं उसको मिलेंगी जिससे कि वो सारे काम कर सकता है जिससे कि वो समाज के लिए एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बन सके। अगर हम देखें तो हमारे इतिहास में कई एक उदाहरण है, ये राजा चोला का, ये चेरा का, चोला चेरा पांड्या थे ना हमारे यहाँ, तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है पोंगल, है ना, उस पोंगल में एक खेल बड़ा खेलते हैं लोग, हर जगह खेला जाता है लगभग, कि आंख पे पट्टी बांध दी जाती है और एक मटका टांगा जाता है जिसको कि ऊपर नीचे किया जाता है और इस व्यक्ति को घुमा दिया जाता है, फिर उसके बाद उस लाठी से वो फोड़ने की कोशिश करता है मटका को।
ऐसा बोला जाता है कि शेरा राजाओं का एक राजकुमार अस्थिवादित या लोकोमोटर डिसेबल था और चल नहीं पाता था। क्योंकि वो चल नहीं पाता था वो बैठता था, बैठता जब था तो जो पर्व हुआ पोंगल का, उस समय वो कौन सा खेल खेलेगा भाई, समझ में नहीं आया। तो उस समय के लोगों ने एक ऐसा खेल बनाया जिसमें कि जो चल नहीं पाता वो भी खेल सके, जो देख नहीं पाता वो भी खेल सके, है ना। तो इसलिए आंख में पट्टी बन जाती है, तो हर कोई एक इवन ग्राउंड आ जाता, हर कोई देख नहीं पाता। मटके को ऊपर नीचे किया जाता है, इसलिए आपका जो हाइट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक बड़ा ही एक इंक्लूसिव गेम है या एक समावेशी खेल है जिसमें कि हर व्यक्ति भाग ले सकता है। और ऐसा बोला जाता है कि राजा चेराओं के द्वारा ये खेल ईजाद किया गया था अपने एक राजकुमार को ओनम के खेल में पार्टिसिपेट कराने के लिए। इस तरह से अगर हम देखें तो RPWD एक्ट में कई एक नियम है जिसमें कि ये बताया जाता है कि जो गवर्नमेंट के बिल्डिंग से वो सारे के सारे सुगम्य होने चाहिए, जो ट्रांसपोर्ट है वो सुगम्य होना चाहिए। और ये कैसे आपको पता चलता है, एक कोर्ट केस था जिसमें कि राजीव रतुरी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया सन 2005 में, जहां की उन्होंने ये बताया कि हाँ अच्छा ढंग का एक्सेसिबल इन्वायरमेंट मिलना चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटी को, ताकि वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का आनंद उठा सके, उसको इस्तेमाल कर सके। और कोर्ट ने आदेश दिया था कि 50% गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन द नेशनल कैपिटल एज वेल एज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी मेड एक्सेसिबल, 50% शुड बी मेड एक्सेसिबल। तो आप लो फ्लोरिंग बसेस स्कूल में रैम्प्स देखते होंगे, लाइटिंग्स देखते होंगे, साइड बार्स देखते होंगे, ताकि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं या जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनमें जिन्हें भी कोई किसी तरह की कोई दिव्यांगता हो वो आराम से इस्तेमाल कर सके उन फैसिलिटीज को। तो इस तरह से जो एक्ट है हमारा RPWD एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, सशक्त बनाता है दिव्यांग व्यक्तियों को। जी सर, यहाँ पर मैं आपको जरा सा रोकना चाहूंगी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास इस सत्र के लिए तकरीबन 5 मिनट का समय और शेष है, और आपने बहुत ही अच्छे से विस्तार से बताया कि इंक्लूजन की जो प्रवृत्ति है, समावेशी शिक्षा की जो प्रवृत्ति है, वो हमारे समाज में प्राचीन भारत में बहुत ही गहरे जड़ उसकी है, और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, उदाहरणों के साथ आपने बताया। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण, आप एक्ट की बात कर रहे हैं और इस एक्ट के बारे में हम थोड़ा और नॉलेज आपसे लेना चाहेंगे, स्कूल कॉलेज के बारे में भी आपसे डिटेल पाना चाहेंगे सर। ठीक है, जैसे कि आपने एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी रखा है जी, तो नेशनल एसोसिएशन फॉर द डेफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस सन 2010 में एक कोर्ट केस हुआ था, जहां की एक PIL दाखिल की गई थी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर इन पब्लिक सर्विसेज। तो एक्ट में वो सुविधा है इसलिए मांग की जा पा रही है, और आज देखिए उसका फलाफल क्या है कि आज एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पूरी बात को साइन लैंग्वेज में रख रहे हैं, ताकि जो डेफ पॉपुलेशन है वो भी आनंद उठा सके। 5 मिनट का शेष वक्त बाकी रात है, इसलिए मैं तेजी पकड़ूंगा थोड़ा जी। शिक्षा किस तरह से समावेशी रहा होगा, 12 साल का अष्टावक्र सबका है, अष्टावक्र राजा जनक के समय का, यानी कि रामायण के समय का है। 12 साल का अष्टावक्र जो कि 8 जगहों से मुड़ा हुआ था, शायद उसको सेरेब्रल पॉल्सी रहा होगा, वो अपने पिता के तलाश में राजा जनक के दरबार में पहुंचता है, जहां की ब्रह्म की चर्चा हो रही थी, यानी कि कौन कौन थे वहां, याग्रमल्क, गार्गी, मां सीता, इस तरह के लोग थे वहां पे, है ना। महिलाओं को पीछे नहीं रखा जाता था, नहीं तो गार्गी क्यों थी वहां पे। तो एजुकेशन फॉर वुमेन उस समय, देखिए उस समय भी रहा होगा। तो अष्टावक्र जैसे आते हैं उस तरह सारी सभा हंसने लग जाती है। तो अष्टावक्र जब सारे चुप होते हैं तो अष्टावक्र ठहाका लगाते हैं और बोलते हैं, अरे मुझे तो लगा था कि यहाँ ब्रह्म की चर्चा हो रही है, यानी कि वो जो हर जगह विस्तृत होता है, जिसका कि कोई आकार नहीं हो, पर जो मैं देख पा रहा हूं यहाँ के लोग तो चमड़े में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, यानी कि शरीर में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, ना कि ब्रह्म का चर्चा करते हैं। ये सुनकर सारी सभा चुप हो गई थी 12 साल का अष्टावक्र, और राजा जनक ने 12 साल के अष्टावक्र को अपना गुरु बनाया था, यानी कि शरीर नहीं, शरीर का जो गुणधर्म है, जो आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, उससे ज्यादा ध्यान दिया जाता था भारतवर्ष में शुरू से ही, आज हो या उतना पहले। दूसरी बात, अष्टावक्र कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, यानी कि वो स्कूल इंक्लूसिव रहा होगा, इसलिए इंक्लूजन आज की बात नहीं है, उस समय की बात है, और काफी जगह
ज्यादा प्रचलित भी रही होगी। अभी जो राज्यों के नाम है अंग बंग कलिंग है ना, ये किनके नाम से है? ये ऋषि दीर्घ तमस के नाम से है। ऋषि दीर्घ तमस दृष्टि दिव्यांग थे और उनके ये पुत्र थे तीन चारों, जो कि इतने प्रतापी हुए कि इनके नाम पे राज्य रखे गए। एक दूसरा कानून है जिसमें कि हम दिव्यांग व्यक्तियों की तरफ को दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, इल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। चैप्टर 16 में अगर आप देखें भारत में क्या था, ये मेरी नानी मुझे बताया करती थी कि द्रौपदी ने दुर्योधन को गिरता हुआ देखकर ये अपशब्द बोल दिया था कि अंधे का पुत्र अंधा। तो समय ऐसा आया कि पूरी सभा अंधी हो गई थी द्रौपदी के लिए। तो कभी भी दुर्व्यवहार ना करें किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के साथ, ऐसी मेरी नानी मुझे बताया करती थी। और ना ही गर्व करें अपने शरीर का। चंद्र के बारे में एक किस्सा है, कभी पढ़ लीजिए आप, जिसमें कि दक्ष प्रजापति ने ये श्राप दिया था कि जाओ क्षीण हो जाओ, तुम्हें क्षय रोग हो जाए, तुम शरीर के गर्भ में हो। तो ना तो गर्व करना ज्यादा को अच्छा माना गया है, ना ही किसी का मजाक बनाना अच्छा माना गया है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, है ना। तो अगर दिव्यांग बच्चों को हमारे साथ रहना है तो वो इसलिए नहीं रहना क्योंकि वो दया के पात्र हैं, रादर इसलिए रहना है क्योंकि वो हमारे समाज के एक हिस्सा है। और क्या दिव्यांग बच्चों को पढ़ाया जा सकता है? क्या चिल्ड्रन विद वेरी नीड्स को पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जा सकता है एक स्कूल में एक साथ? बिल्कुल। अगर आप पांडवों को देखें तो पांडवों को अलग अलग तरह की विद्याओं में सुशिक्षित किया था द्रोणाचार्य ने अपने गुरुकुल में, तो जाहिर सी बात है डाइवर्स नीड्स को देखते होंगे। और यहां तक तैयार किया था कि जब कठिन समय आया तो भीम रसोईया बन गया, नकुल सहदेव गायों और घोड़ों के साथ रह गए, अर्जुन बृहन्नल्ला बन गया, यानी कि जीवन का शिक्षा भी उनको दिया जाता था और जैसी उनकी रुचि वैसी दी जाती थी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बताया जाता है कि आइडेंटिफाई एंड फॉस्टर यूनिक एबिलिटीज, तो ये भारतवर्ष में किया जाता रहा होगा। आखिरी तीन स्लाइड एजुकेशन के ऊपर, पंचतंत्र एक ऐसी कहानी है जिसमें कि नीति नियम व्याकरण गणित सारा का सारा बताया जाता है। वो ऐसे कुछ बच्चों के लिए लिखा गया था जिनका कि पढ़ने में मन नहीं लगता था, और आचार्य विष्णु शर्मा का धन्यवाद हमें करना चाहिए। वैसे ही अगर आप देखें तो आज के डेट में 20 मिनट का अतिरिक्त समय मिलता है एक घंटे पे स्क्राइब पे, तो व्यासदेव के स्क्राइब कौन थे? गणेश जी थे ना, जिन्होंने लिखा पूरा का पूरा महाभारत। तो स्क्राइब की जो सुविधा थी उस समय भी उपलब्ध थी, दीर्घ तमस के लिए भी उपलब्ध रही होगी। इस तरह अगर आप देखें तो, और एक कोट किस्सा जहां की स्पेशल एडुकेटर एक होना ही चाहिए स्कूल में, उस हिसाब से मिला। अभी अगर हम देखें तो 5% एजुकेशन सीट्स रिजर्व रहते हैं डिसेबल्ड बच्चों के लिए, 4% जॉब रिजर्वेशन रहते हैं। राजा चोल ने और आचार्य चाणक्य ने विशेष सुविधा बना रखी थी। किनके लिए विशेष सुविधा बना रखी थी? अलग अलग दिव्यांगों के लिए, ताकि उन्हें सही तरह का काम मिल सके। जैसे कि जो बोल सुन नहीं पाते थे उन्हें बनाया था स्पाई, और राजा चोल ने यह विशेष बना रखा था कि जो दृष्टि दिव्यांग थे वो तमिल की लिटरेचर को पढ़ें और जगह जगह गाएं उन्हें। इस तरह कई एक कहानियां हैं, कई एक किस्से हैं। अगर आप देखें तो भगवान श्री राम की जो आर्मी थी वो सबसे बड़ी इंक्लूसिव आर्मी थी, जिसमें कि बानर भी थे, जिसमें कि यक्ष आपके असुर भी थे, जिसमें कि आर्य भी थे, जिसमें कि राक्षस विभीषण भी था, जिसमें कि एक मुर्गा भी था, एक गिलहरी भी था, और साथ ही साथ चिड़ियां भी थे। तो इतना बड़ा इंक्लूसिव आर्मी देखने को कहीं नहीं मिलता। उन्होंने कहां से कहां काम किया और किधर जाकर कहां विजय प्राप्त किया, ये सब हम जानते हैं। इस तरह अगर भगवद गीता में पूछा जाए कि भाई कौन बुद्धिमान है, कौन शिक्षित है सही तरीके से, तो कृष्ण बोलते हैं कि वही व्यक्ति जो कि हाथी में, कुत्ते में, ब्राह्मण में, शव जलाने वाले में, हर किसी को समभाव से देखता हो, वही बुद्धिमान व्यक्ति है। G20 में अगर आप देखें तो टैगलाइन है ना, वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा है वो तुम्हारा है। ये छोटे मनोवृत्ति वाले लोग देखते हैं, ये सारा संसार एक है, एक परिवार है, वो उदार चित्त वाले देखते हैं, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम। आखिर में महात्मा गांधी जी जिन्होंने वैष्णव जन तो तीनी कहिए पीर पराई जाने दे, और पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने दे, अपने मन में अभिमान नहीं लाता वो। तो भारतीय संस्कृति हमेशा से एक समावेशी संस्कृति रही है। इन बातों के साथ मैं
धन्यवाद करता हूँ एनसीईआरटी का कि मुझे ये मौका मिला, और मुझे लगता है कि बच्चों को मैं कुछ झलकियां दिखा पाया हूंगा जो कि भारतवर्ष में है, सतयुग से लेके कलयुग गांधी जी तक, ताकि हमारी संस्कृति एक समावेशी संस्कृति है और बनी रहे, इस बात का गर्व हमें हमेशा होते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, और आई एम क्वाइट श्योर जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े, मुझे लगता है कि उनको ये सभी दंत कथाएं और उदाहरण ज़रूर पता होंगे, लेकिन जितने अच्छे से आपने इसे समावेशी शिक्षा और कक्षा से जोड़ा, उतने अच्छे से शायद उनके पास अभी ये नॉलेज नहीं पहुँची होगी। पर आज के इस सत्र से उन्हें काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला। समावेशी कक्षा और शिक्षा की जो जड़ें हैं वो हमारी प्राचीन संस्कृति में, प्राचीन भारत में कितनी गहरी है, ये आपने बताया, भारतीय परिप्रेक्ष्य के बारे में बताया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं लॉगआउट जी, और यहाँ पर हम अनिकेत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे हमारे साथ आप रहे और आपने पूरे सत्र को आपने इंटरप्रेट किया, थैंक यू सो वेरी मच। साथ ही हम अपने सभी व्यूवर्स का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो आप हमारे साथ पूरे सत्र में रहे, आपके वैल्यूबल कमेंट्स हमें मिले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात के साथ मैं ये सत्र समाप्त करूँ, लेकिन एक बहुत ज़रूरी सूचना आपके साथ हम साझा करना चाहेंगे NCERT की पाठ्य पुस्तकों से संबंधित। शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023-24 के लिए NCERT की पाठ्य पुस्तकें देश भर में उपलब्ध हैं। आप ये पाठ्य पुस्तकें NCERT के बिक्री केंद्रों से जाकर ले सकते हैं जो कि नई दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित है। ये बिक्री केंद्र प्रातः 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यरत रहेंगे, पूरे सप्ताह सभी सरकारी छुट्टियों के साथ साथ शनिवार और रविवार को भी। और यदि किन्हीं कारणों से आप यहाँ पर नहीं जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। आपको जाना होगा हमारे वेबसाइट पर जो है ncertbooks.ncert.gov.in। ये सभी पाठ्य पुस्तकें आपको आपके घर पर निःशुल्क डिलीवर की जाएंगी। अगर आप इसका PDF वर्जन चाहते हैं तो ये सुविधा भी उपलब्ध है। आप जा सकते हैं NCERT दीक्षा ई पाठशाला वेबसाइट और हमारे मोबाइल ऐप पर। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर एक्सप्लोर करें, हमारी वेबसाइट है ncert.nic.in, ताकि आपको सभी ऑथराइज वेंडर्स की डिटेल प्राप्त हो। इसी के साथ मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आप सभी से इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ई विद्या चैनल्स और NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर और अधिक ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के लिए। नमस्कार।